ठीक है, सुपर कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे क्लास पर्सन, देन उसके बाद हम लोग एक क्लास लेंगे ईएमपी, ईएमपी क्या ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड्स पर्सन अपन कर दिए। ठीक है, ये क्लास बन गया। देन उसके बाद एक क्लास और बनाता हूँ, क्लास डेमो सुपर। अभी तेरे से ठीक है, मानना पड़ेगा तेरे ससुर एकदम जरूर था। मैं देखा था कोरोना पे नाम दे दिया तो वाइड मेन, दवाई डाल देना, 5-5 हज़ार का इंजेक्शन वगैरह हो जाएगी। ओके ठीक है, मैं मैं कर इसको सकता सबसे पहले हूँ, बताओ। सेव कर लेता हूँ, डेमो सुपर नाम से सेव डॉट जावा। कोरोना वार्ड में ओके डाल 20 हज़ार कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास क्लास पर्सन में मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, इंट आई डी दवाई स्ट्रिंग का नेम, दो मैंने इसमें पैसा मेंबर वेरिएबल मैंने बना लिया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, पर्सन पर्सन मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ पे हम लोग जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। तो यहाँ पे इंट आई डी कॉमा स्ट्रिंग नेम, इसी से हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आई डी इक्वल टू आई डी स्ट्रिंग सॉरी नेम इक्वल टू नेम। अब मेंबर वेरिएबल और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर लिया, दोनों का नेम सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दिस दिस डॉट आई डी दिस डॉट नेम। इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक फ्लोट सैलरी नाम का मेंबर वेरिएबल लेता हूँ, फ्लोट सैलरी। अब यहाँ पे मैं ईएमपी नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे रहेगा हमारा सेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोट सैलरी यहाँ पे हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे जो ये इंट आईडी और नेम है, यहाँ पे हम लोग इस पर्सन को एक्सटेंड किए, मींस यहाँ पे जो आईडी और नेम है वो एक्सेसिबल होगा, मींस इसके साथ में यहाँ पे आईडी और नेम भी हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनिशलाइज करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, सुपर, और इस प्रकार से, और यहाँ पे हम दे देंगे आईडी और नेम, आईडी कॉमा नेम। तो ये सुपर किसको कॉल करेगा, इस पर्सन नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और यहाँ पे इस आईडी से जो हम लोग डालेंगे वो यहाँ पे जाएगा, ये इससे फिर इस पर्सन के कंस्ट्रक्टर पे चल जाएगा, और वहां से वो इनिशलाइज हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस डॉट चालू सैलरी इक्वल टू सैलरी। ये तो यहाँ का लोकल मेंबर वेरिएबल है ईएमपी क्लास का, तो हम लोग इसको डायरेक्टली इनिशलाइज कर लेंगे। देन उसके बाद एक मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले बनाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे आईडी प्लस प्लस तो सरकारी हॉस्पिटल कौन कौन नेम। से लिस्ट है ना नेट पे, तो जरूर बना समझना कि लिस्ट साइट पे जाना, वहाँ पे पूरा लिस्ट दे रहे हैं कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, कौन कौन से ओके, सरकारी कौन से देन उसके प्राइवेट, बाद कितने यहाँ पे हम कितने लोग दे देंगे कितने सैलरी। बेड है।
इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग डेमो सुपर पे, यहाँ पे हम लोग ई एम पी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ई एम पी मैं ई वन नाम से बनाता हूँ, ई वन इक्वल टू न्यू ई एम पी वन मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। आईडी मतलब 1001 में दे दिया क्योंकि इंटीजर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ अंकित कॉमा, ठीक है। इसको डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम लोग ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं 45000 फ्लोट में, तो एफ लिख देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब जो यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू डाला है ये कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। कौन से कंस्ट्रक्टर पे जाएगा? इस EMP नाम के कंस्ट्रक्टर जाएगा इस आईडी में। 1001 जो है इस आईडी में गया, अंकित जो है यहाँ नेम में गया, 45000 यहाँ पे गया, ठीक है। आईडी में जो वैल्यू है 1001 वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास हो जाएगी इस सुपर कीवर्ड से। सुपर कीवर्ड के बाद में हम लोग ने यहाँ पे पैरामीटर पास किया, तो किसको कॉल करेगा? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर हमने बनाया वहां पे जाएगा, तो 1001 यहाँ पे चले गया इस आईडी में, अंकित किस में चले गया? इस नेम में चले गया, और दोनों को इनिशियलाइज कर देगा। देन उसके बाद तीनों को हम लोग इस डिस्प्ले मेथड से प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे e1.display। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। कमांड देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे cd \e cd java bca3। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉल जावा सी डेमो सुपर डॉट जावा। यहाँ पे कॉल किए, एरर आ गया यहाँ पे लास्ट पर्सन के। ठीक है, कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स छोड़ दिए क्या यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 1001 अंकित और 45000। तो जनरली हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं सुपर कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स है सुपर के, और भी हम लोग वेरिएबल्स को भी एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं सुपर डॉट करके। अगर कोई मेथड है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं सुपर डॉट करके। डॉट ऑपरेटर से हम लोग पेरेंट क्लास के मेंबर वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं। द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर। द फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन मेनी कंसेप्ट जैसे कि वेरिएबल, मेथड और क्लास, ठीक है। Final keyword can be applied with the variable. If final variable that have no value, it is called blank final variable or uninitialized final variable. It can be initialized in the constructor only. ठीक है, the blank final variable can be static also, which will be initialized in the static block only. ठीक है, अगर हम लोग कोई final variable बना रहे हैं, फाइनल वेरिएबल अगर हम लोग बनाते हैं उसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उसको स्टैटिक बना रहे हैं, अगर किसी भी मेंबर को हम लोग स्टैटिक बना रहे हैं तो स्टैटिक मेंबर से ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक ब्लॉक से ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, वो तीन चीजों के लिए यूज किया जाता है, स्टॉप वैल्यू चेंज, स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग, स्टॉप इनहेरिटेंस। अगर हम लोगों को कुछ एक मेंबर लेना है,
ठीक है, हम लोग नहीं चाहते कि वो ओवरराइड हो, हम लोग नहीं चाहते कि वो इनहेरिटेंस का पार्ट बने, मतलब इनहेरिट हो, ठीक है, या फिर हम लोग नहीं चाहते कि उस मेंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। कभी कभी ऐसा हम लोग को क्लासेस बनानी होती है जिसमें हम लोग कुछ मेंबर वेरिएबल ऐसे बना देते हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, कुछ मेथड हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर कुछ क्लासेस हम लोग ऐसे बना सकते हैं जिसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पे हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग जावा फाइनल वेरिएबल। ठीक है, इफ यू मेक एनी वेरिएबल एज फाइनल यू कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल, इट विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्लास हमने लिया बाइक 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एक मेंबर वेरिएबल लिया स्पीड लिमिट, ठीक है, उसका डेटा टाइप है इंट और हमने उसको बना दिया फाइनल और हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 90 से। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेथड बनाए रन और यहाँ पे हम लोग स्पीड लिमिट इक्वल टू 400 कर रहे हैं, मतलब मींस उसको चेंज कर रहे हैं, चेंज जब हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, बाइक 9 का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया obj डॉट रन, यहाँ पे हम लोग तो रन में यहाँ पे स्पीड लिमिट, मैं सोच रहा हूँ आपसे ना 3-3 दिन का लिख के डाल दिया। ठीक है, 400 यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, मीन्स ये स्पीड लिमिट का जो वैल्यू हम लोग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग किसी को भी फाइनल बना देते तो उसमें एक बार अगर हम लोग इनिशियलाइज कर दिए तो वो वैल्यू वही की वही रहती है, चेंज हम लोग नहीं कर सकते, मतलब वो कॉन्स्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे किसी भी मेथड से तो चेंज नहीं होगा और हम लोग को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर हम लोग को देखने मिलेगा।